पंचायत ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। तुर्क बिरादरी की पंचायत ने 3 तलाक बोलने वाले युवक पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाते हुए शादी में तय मेहर की रुक्न वसूलने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही पंचायत ने लड़की पक्ष के दहेज का सारा सामान भी वापस दिलवाया है। दरअसल तुर्क बिरादरी ने 2 महीने पहले स्थानीय स्तर पर पंचायत करके तय किया था कि बिरादरी में कोई भी एक साथ 3 तलाक नहीं देगा। ऐसे तलाक देने वालों को सजा और चेतावनी भी दी गई थी। मामला थाना एक हयात नगर का है, जहां गांव मूसापुर का है, जहां तलाक पीड़िता सबीहा का निकाह सलमान के साथ 2 साल पहले हुआ था। पिछले कुछ समय से पति पत्नी में अनबन चल रही थी और एक दिन विवाद के दौरान सलमान ने सबीहा को 3 बार तलाक 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 बोल दिया। मामले को लड़की के परिजनों ने बिरादरी की पंचायत के सामने रखा, जिसके बाद तुर्कों के सदर लियात हुसैन ने 52 गाँव के तुर्कों की पंचायत रायसती स्थित मदरसा खलील उल उलूम में तय फरमाई। बिरादरी में या मुसलमानों में बहुत तलाक के केस बहुत होते हैं, जो एक दफ़े में 3 तलाक दे देते हैं, जो ठीक नहीं है। और ये हर पंचायत में मसला उठता रहा कि भाई कोई भी आदमी 3 तलाक ना दे, अगर देनी है तो एक दे, उसे टाइम दे सुधरने का। लेकिन वो 3 तलाक दे दी, इतने समझाने के बावजूद भी एक लड़के ने पहली जून को, तो उन्होंने बात करी बंचों से, हमसे भी कई लोग हमारे पास भी आए और भी जगह गए। उन्होंने कहा ठीक है भाई, इतवार के दिन आपका फैसला कराऊंगा। इतवार के दिन दोनों पार्टियों को बुलाया, दोनों की बात सुनी। लड़की की गलती भी नहीं थी, इत्तेफाकी ये भी बिल्कुल कोई गलती नहीं थी, और उसने बेवजह में 3 तलाक उसे दे दी। और उसकी इस बात को तमाम बिरादरी के लोगों ने, जितने भी मौजूद थे, सब ने बुरा माना।